आरव आरव, ये लो पैसे और उस बुढ़िया से सब्जी लेकर आओ। मैं जाऊंगा। आप देख रहे हो ना, मम्मा फोन पे बिजी है। जाओ सब्जी लेकर आओ। ठीक है। क्या चाहिए बेटा? आधा किलो लेडी फिंगर दे दो और एक कैबेज दे दो। अरे पैसे, इसको पैसे ये लो। क्या हुआ आंटी जी? 60 रुपए आपकी सब्जी से बचे थे, ये लेना भूल गए। कोई बात नहीं, तुम रख लो। नहीं आंटी जी, हमारे जितने पैसे बनते थे हमने ले लिए। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से तुम रख लो और कुछ ले लेना। नहीं नहीं आंटी जी, हमारी दुकान से सब्जी खरीदने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सब्जी अच्छी लगी हो तो आप दोबारा जरूर आइएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये इतनी प्यारी प्यारी बातें करनी किसने सिखाई तुम्हें? मेरी दादी ने, वो कहती है हमेशा बड़ों का सम्मान करो और उनसे अच्छी अच्छी बातें करो ताकि वो तुम्हें दुआएं दें। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मैडम क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, इससे गलती कैसे हो सकती है? इसको तो आपने इतनी अच्छी तमीज और संस्कार दी है कि ये तो किसी का भी दिल जीत ले। इतना तो बच्चों को आना ही चाहिए, बल्कि जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी ना। एक मिनट, आप ओमवती मैम है ना, जो ग्रीनफील्ड स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाया करती थी? हाँ, लेकिन आप मुझे कैसे जानती हैं? मैम मैं दीपिका, 2010 में आपकी स्टूडेंट हुआ करती थी। दीपिका दो चोटी वाली? हाँ मैम, लेकिन आप यहाँ सड़क पर सब्जियाँ बेच रही? अरे नहीं नहीं, मैं ये सब्जियाँ मजबूरी में नहीं बेच रही हूँ, वो तो मुझे बागवानी का बहुत शौक था। रिटायरमेंट के बाद मैंने एक प्लॉट में सब्जियाँ उगाना शुरू किया, अब इतनी सारी हो जाती हैं कि मैं बेच देती हूँ। आंटी जी वो सामने ही हमारा घर, आप चलिए ना, कुछ चाय पानी ले लीजिएगा। अरे नहीं बेटा, फिर किसी दिन आऊंगी। बड़ी अच्छी बच्ची है, इतने अच्छे संस्कार दिए आपने इसको। एक मेरा बेटा देख लो, सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है और किसी की नहीं सुनता। बेटा बच्चे तो कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जैसा ढालोगे वैसा ढल जाते हैं। अरे नहीं मैम, आपको नहीं मालूम, आजकल के बच्चे कच्चे नहीं चिकने घड़े हो गए हैं। आप एक मिनट रुकिए, मैं अपने बेटे से मिलवाती हूँ आपको। आरव एक मिनट बाहर आना। मम्मा आप क्यों शोर मचा रहे हो, देख नहीं रहे मैं गेम खेल रहा हूँ? आरव एक मिनट बाहर आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। मम्मा मुझे किसी से नहीं मिलना, आप मिल तो रही हो ना। आरव की इस बिहेवियर के लिए आई एम वेरी सॉरी मैम। बच्चे को क्या ही दोष देना, कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हमारे पास अपने बच्चों को देने के लिए मोबाइल और पॉकेट मनी तो है, लेकिन टाइम नहीं है। उनकी डिमांड तो पूरी कर देते हैं, लेकिन उन्हें मॉरल्स नहीं सिखा पाते। बेटा मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ, तुम मेरी स्टूडेंट रह चुकी हो, अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं मैम, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे अच्छा लगा आपने एक माँ की तरह मुझे समझाया है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। मम्मा जल्दी आओ ना, लेट हो रहा है। अच्छा मैम चलती हूँ, फिर आऊंगी। आंटी आपके पैसे। तमीज और संस्कार दौलत से नहीं आते, ये बच्चों को सिखाए जाते हैं।